So hello to all my viewers, I am Akash Shoy and welcoming once again you in Akash STEM Education. So students, jo log bhi hamare WBJEE students ho, whether aap log 2018, 19, 20, 21 and as well as 22 ke students ho, jo bhi WBJEE students ye video ko dekh rahe ho, सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखो। इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रिगार्डिंग WBJEE मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो इशू ऑब्वियसली नॉट ओनली फॉर यू बट आपके आसपास जो लोग भी WBJEE पे एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का बहुत लोगों का हेल्प होगा। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के हित में कुछ बात बोलने को, तो प्लीज देखिए वीडियो को लास्ट तक। अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को मस्ट ऑन कर लीजिए, बिकॉज़ अगस्त में एजुकेशन पे आपको ऐसी WBJEE के कंटेंट्स मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये स्क्रीनशॉट मुझको एक मेरे स्टूडेंट ने किया था। मुझे ये स्क्रीनशॉट देखने के बाद मुझको लगा कि ये वीडियो मेरे मुझको लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग As a whole, हम लोग नॉट ओनली WBJEE बट ऑल्सो वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट अगर ये चीज चलता रहा तो हमारे WBJEE वेस्ट बंगाल एज वेल एज WBJEE का जो नाम है वो दिन ब दिन घटता एंड खराब होता जाएगा ऑल इंडिया में। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट, आप लोग देखिए। यहाँ पे मुझको मेरे एक्सपीरियंस किया था, मैं आपको पढ़ के पहले सुना देता हूँ कि एक्चुअली सर, एक्चुअली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र बट आई हैड टेकन एडमिशन इन UIT वर्धमान, बट आफ्टर सीइंग रिव्यू ऑफ मेनी स्टूडेंट्स I had cancelled my admission and I had contact to college about cancellation process and refund process, but they denying for a refund amount near about 40,000 rupees. I am from Maharashtra and so I cannot speak Bengali obviously. So help me, actually our financial situation is not more strong. If we lost that money, we will regret so much. Sir please. तो ये मैं मुझको वो रिक्वेस्ट किया था। अब मैंने देखा कि बहुत दिख सोच के देखा कि लीगली हम लोग WBJEE को कोई कुछ नहीं कर सकते। उनके तरफ से पहले ही ये चीज बोल दिया गया है कि आफ्टर एडमिशन प्रोसेस कॉलेज के साथ आपको निपट लेना पड़ेगा। कॉलेज आपका पैसा लूट ले, कॉलेज आपका रिफंड दे ना दे, इसके ऊपर WBJEE बोर्ड का कोई हाथ नहीं है। आप लोग जानते हो प्रोसीड्यूर पे पहले ही उन्होंने ये चीज मेंशन कर दिया था। तो बोर्ड तो वो प्रोसेस हमको बोले कि भाई आप तो जानती हो, आप तो देखे हुए नहीं हो, तो क्यों हम लोग फिर से आपको इस झमेले पे हम लोग दिमाग घुसे, आप खुद कांटेक्ट कर लो कॉलेज से। और कॉलेज इस फायदा, ये जो फॉल्ट बोलते हो ना प्रोसेस का जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट को काम पे लाके कुछ कॉलेजेस हैं लाइक UIT वर्धमान का नाम आज नहीं, UIT वर्धमान का नाम रिफंड प्रोसेस के जिस चक्कर में आज नहीं, बहुत पहले से मैंने वीडियो बनाया था कि इनका नाम आ रहा है बार बार। नॉट ओनली UIT वर्धमान, ये तो एक गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ कॉलेज है, इस पे तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एज वेल एज बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में नाम करके बोल सकते हो, बट मैं नाम नहीं करूंगा बिकॉज कॉलेज का रिपुटेशन खराब होगा। बट आई थिंक आप लोग जानते हो कि वो लोग भी यही सेम प्रोसेस कर रहे हैं कि रिफंड जो है 40,000 की नियर अबाउट रिफंड, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो उनको रिफंड नहीं किया जाता। भाई ये क्या ठीक है? मैं कॉलेज से प्रश्न जो है क्वेश्चन उजागर करता हूं, मैं आप लोगों से भी आस्क करता हूं कि इस कोरोना के सिचुएशन पे एक आदमी उसके बेटे को कितना परिश्रम करने के बाद वो 40,000 आपको देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं और डोनेशन मनी आपको जमा करते हैं तो आप लोग उसको रिफंड मत दो आफ्टर कैंसिलेशन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट एक स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट जो काउंसलिंग के थ्रू आपके कॉलेज पे आया है, आई थिंक आफ्टर कैंसिलेशन उनको 100% अमाउंट आप लोग वापस मत करो, बट 80% 75% कुछ तो उनको वापस करना चाहिए। आप लोग पूरा अमाउंट लूट लेते हो, बिकॉज आप लोग जानते हो कि WBJEE बोर्ड की तरफ से आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं किया जाएगा आपके ऊपर। तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना दूर हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। मैं वीडियो का जो कॉपीराइट स्ट्राइक होता है ना, कम्युनिटी जो टैब होती है उसको ऑफ कर दूंगा, कंटेंट टैब को। आप लोग इस वीडियो को कहीं पे भी अपलोड कर सकते हो, फेसबुक पे अपलोड कर सकते हो, अपने चैनल पे यूट्यूब पे आप लोग अपलोड कर सकते हो वीडियो को, क्लिपिंग्स को लेकर आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा। बिकॉज मैं चाहता हूँ नहीं, कोई बेनिफिट के लिए नहीं, WBJEE के ये वीडियो बना के यूट्यूब से जो बेनिफिट मुझको मिलते कितना मिलते, एक वीडियो को देखने के बाद शायद अगर आप लोग सच्ची जाना चाहते हो तो 90 से 100 रुपीज मुझको मिलती है ये वीडियो को यूट्यूब में चलाने के बाद। तो मिलती है मुझको, नहीं मिलती तो कोई गुरूर नहीं है।
नहीं है मेरे पास, बट मैं चाहता हूँ कि ये अपडेट सबसे सब लोगों के पास पहुंचे एंड पहुंचे उस कॉलेज तक एंड एज वेल एज डब्ल्यूबीजी बोर्ड तक, जैसे कि वो जो स्टूडेंट वो जो कॉलेज एंड वो जो बोर्ड है जो लास्ट ईयर भी ये जो प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, इस ईयर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, ऐसा स्टूडेंट्स को फेस नहीं करना पढ़े, ठीक है। बिकॉज ये जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो दिल्ली से हैं, जो हमारे राजस्थान से हैं, जो हमारे बिहार यूपी से हैं, वो भी एग्जाम देते हैं और उनका अगर इतना पैसा लूट जाते हैं, तो अगर आप लोग इनडायरेक्टली सोचो तो नॉट ओनली दैट कॉलेज, नॉट ओनली WBJEE बट होल वेस्ट बंगाल का जो पिक्चर है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का जो क्या सिनेरियो है, ये पूरा देश के सामने उजागर होती है। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे स्टेट का एक अच्छा खासा स्टेट, जो इतना अच्छा स्टेट है एजुकेशन के मामले में, इनका नाम खराब हो कुछ 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 स्पेसिफिक कॉलेज के वजह से। मैं कॉलेज से विनीत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी एंड स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग भी अवार्ड हो जाइए, आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए कि कॉलेजेस को बोलिए, उनके साथ इंटरेक्शन कीजिए। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ बिकॉज मैं तो लीगली उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता, बट मैं एज मेरा प्लेटफॉर्म जो है, आप लोग मेरे पावर हो, आप लोग मेरे सपोर्टर्स हो, आप लोग मेरे फैमिली हो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि ये अवेयरनेस को सब लोगों के अंदर फैलाइए। WBJEE बोर्ड एंड कॉलेजेस तक ये आवाज जानी चाहिए कि जो पैसा जो स्कैम एक्चुअली से स्कैम जो 40,000 रुपीज एक बच्चा उनका कितना मायने रखते हैं, वो जो पैसा लूटा जा रहा है वो बंद होना चाहिए। यू हैव टू स्टॉप दिस थिंग बिकॉज ये दिन ब दिन नहीं चल सकता। बहुत से स्टूडेंट्स का मैंने क्वायरी देखी है बट मैं इसके ऊपर वीडियो मैंने लाया बिकॉज ये स्टूडेंट्स आउटसाइड स्टेट महाराष्ट्र से है, तो वो उसके सामने हमारे स्टेट्स का क्या प्रतिच्छवि क्रिएट हुआ, आप इसी से समझ सकते हो। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, किसी को बायस्ड होकर किसी के ऊपर मैं एलिगेशन नहीं लगाना चाहता किसी कॉलेज के ऊपर, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि प्लीज इसको बंद कीजिए। 100% रिफंड आप लोग अगर ना भी कर पाए तो भी एटलीस्ट 70% एटलीस्ट 75% तो रिफंड कर दीजिए स्टूडेंट को, ये कभी नहीं होना चाहिए। आई स्ट्रांगली अपोज दैट थिंग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का सपोर्ट जरूरत है, जितना बुझ सके शेयर कीजिए, डाउनलोड करके अपलोड कीजिए, जो भी कुछ कीजिए, बट ये आवाज फैलनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, और भी कुछ अपडेट आया ऑब्वियसली आकाश एजुकेशन पर WBJEE रिगार्डिंग अपडेट आपको मैं शेयर करता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना स्टूडेंट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।